अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजार की चाल में चर्चा करेंगे यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। आज शुक्रवार का दिन है, कमोडिटी बाजार के कारोबार का आखिरी कारोबारी दिन है और शाम का वक्त है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने चांदी से। तो सोने चांदी में आज हमने हरा रंग आखिरकार देख ही लिया है। सोने चांदी में आज हरे रंग के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन कोई ज़्यादा खास तेजी भी बनती नज़र नहीं आई है। हालांकि $1900 के ऊपर इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में सोने का भाव निकला है। आपको बता दें कि सोना इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में 1.5% की बढ़त के साथ $1915 से $1917 की रेंज में है। $2425 की बढ़त बनती नज़र आ चुकी है आज यहाँ पर। कल के मुकाबले आज सोने का जो भाव है इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में $2425 बढ़ चुका है। अब इसके पीछे के कारण क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं गिरावट वाले कारण। तो गिरावट वाले कारण आपके हैं, सोने में जो गिरावट आ रही है, सबसे पहला है डॉलर का तेज होना, 10 साल वाले अमेरिकी बॉन्ड में तेजी आना, फिर दूसरा रशिया यूक्रेन की में जो वॉर में जो एक दूसरे देश से जो बयान आते रहते हैं उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं उसमें बढ़त हो जाती है कभी कभी। फिर जो इस वक्त मेन रोल प्ले कर रहा है डॉलर में तेजी का वो है यूएस फेड। अमेरिकी फेडरल बैंक की तरफ से मई में बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने की बातें कही जा रही हैं और विशेषज्ञों द्वारा ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिकी फेडरल बैंक मई के महीने में भी अपनी ब्याज दरों में कम से कम 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर सकता है। तो इसका इम्पैक्ट भी पूरे ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन आज ये जो तेज़ी आई है, हो सकता है कि ये जो डॉलर है, डॉलर इंडेक्स है, उसमें कुछ तेज़ी दर्ज की गई हो क्लोजिंग होते होते, इसकी वजह से हो सकता है कि सोने चांदी की जो प्राइसेस हैं आज सपोर्ट लेते नज़र आए हैं। दूसरा, अभी रशिया और यूक्रेन की जो वॉर की जो स्थिति है वो ख़त्म नहीं हुई है। बीच में पीस टॉक्स की चर्चा हुई थी लेकिन बात नहीं बनी और युद्ध अभी भी जारी है। तो उसकी वजह से उसका जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं सोने चांदी के जो भाव है उन पर आता हुआ नज़र आता है। जिस दिन बम धमाके ज़्यादा हो जाते हैं उस दिन सोने चांदी सपोर्ट ले जाता है। जिस दिन अमेरिकी फेडरल बैंक की तरफ से पॉलिसीज टाइट करने की बातें ज़्यादा कही जा रही होती है मार्केट में, उस दिन सोने चांदी गिर जाता है। तो ये जो सेंटीमेंट्स है, जिस दिन जो बात मार्केट में ज़्यादा होती है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट्स के सेंटीमेंट्स तय हो जाते हैं और सोने चांदी के जो भाव हैं वो कभी गिरते हैं तो कभी तेज हो जाते हैं। अभी सोने चांदी का जो बाजार है ऐसी उठापटक वाला बना रहेगा। कच्चे तेल की बात की जाए तो कच्चे तेल में भी आज बढ़त देखने को मिली है। WTI $106 पर है, ब्रेंट क्रूड ऑयल $108 पर। देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सत्र में क्लोजिंग होते होते जो कच्चा तेल है, कच्चे तेल का बाजार भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, $100 के ऊपर है। आपको बता दें कि खबरें निकल के सामने आई है कि जो ओपेक है आने वाले कुछ महीनों में अपना उत्पादन बढ़ाएगा, लेकिन वो उत्पादन मार्केट की में डिमांड के मद्देनज़र डिमांड के मुकाबले कितना रहेगा ये देखने वाली बात होगी। क्या तब तक चाइना लॉकडाउन से वापस आ जाएगा या फिर धीरे धीरे लॉकडाउन से निकलने की कोशिश कर रहा होगा, ये तो खैर चाइना में केसेस ही बताएंगे कि चाइना में कोरोना के केसेस उस टाइम बढ़ रहे होंगे या घट रहे होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर घट रहे होंगे तो चाइना की तरफ से कच्चे तेल की डिमांड निकल जाएगी और अगर बढ़ रहे होंगे तो कच्चे तेल की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर जिस हिसाब से रशिया यूक्रेन की जो युद्ध की स्थिति है उसकी वजह से रशिया पर प्रतिबंध लगा है और उसके कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा है, तो ऐसे में क्रूड की जितनी सप्लाई होनी चाहिए थी मार्केट के अंदर उतनी देखने को नहीं मिल रही है। तो इसकी वजह से कच्चे तेल का जो बाज़ार है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता नज़र आ रहा है। लेकिन चुनाव के दौरान हमने देखा था कि भारत में पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़ाए गए थे, बल्कि जो बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का जो भाव है रिकॉर्ड स्तर पर था, चुनाव खत्म होते ही हमने पेट्रोल डीजल में बढ़त देखी और रशिया यूक्रेन युद्ध होने के बाद भी जो भारत है रशिया से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीद रहा है। तो हो सकता है कि इस समय जो कच्चा तेल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है तो भारत जो खरीद कर रहा है तो हो सकता है कि भारत उसे इस्तेमाल कर रहा हो डिस्काउंट वाले कच्चे तेल को, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है।
लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के प्राइसेस हाई जाते हैं एक बार फिर से $120 या $130 तक जाते हैं और भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो वो एक सोचने वाली बात होगी, क्योंकि भारत ने 2020-2021 में भी अपने कच्चे तेल का जो स्टॉक था वो किया था, रिलायंस ने भी कच्चा तेल खरीदा है अभी। फिर दूसरा, अभी भी जो युद्ध की स्थिति है रशिया यूक्रेन के बीच, ऐसे में भारत भी रशिया से कच्चे तेल की खरीदारी कर रहा है, वो भी डिस्काउंट रेट्स पर। तो ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल के भाव आगे बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी और सरकार पर सवाल होगा एक बड़ा। बात करेंगे यहाँ पर एक अब नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस के प्राइसेस को हमने हाई से अब धीरे धीरे थोड़े कम होता देखा है। खबरें निकल के सामने आई हैं कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में जो वेदर कंडीशन है वो थोड़ी वार्म देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस की जो डिमांड है थोड़ी उसमें थोड़ी कमी आएगी। बाकी चाइना जो इस वक्त लॉकडाउन की वजह से अपने पूर्ण रूप से काम नहीं कर पा रहा है, ऐसे में वहाँ से भी नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो थोड़ी घटी है। तो इसकी वजह से नेचुरल गैस के जो दाम हैं अपने हाई से थोड़े कम होते नज़र आए हैं। नहीं तो अगर ये दो फैक्टर उल्टे होते, बदले हुए होते, अपोजिट होते, तो जो नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं फिर से अपसाइड में जाते और नेचुरल गैस जो MCX पर 594 का हाई लगाती नज़र आई थी 18 अप्रैल के करीब, वो उसके ऊपर भी जाती नज़र आ जाती। बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में कुल मिलाकर तेजी का ही रुझान है। आज हमने कॉपर में ठीक हल्की फुल्की बढ़त बनती हुई देखी है, कॉपर में ठीक ठाक कारोबार होता नज़र आया है। अब चाइना जो लॉकडाउन में इस वक्त जूझ रहा है लॉकडाउन की वजह से, अब उसकी चाइना से कम डिमांड के चलते बेस मेटल्स के जो दाम हैं उनमें एक नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन इन्वेंट्रीज कम होना बेस मेटल्स के प्राइसेस को सपोर्ट भी लगातार दे रहा है। तो ऐसे में जहां पर कुछ फैक्टर्स बेस मेटल्स में नेगेटिव हैं तो कुछ फैक्टर्स पॉजिटिव ही हैं, तो जो नेचुरल गैस को निचले स्तर पर सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो नेचुरल गैस के भाव अगर ज़्यादा नीचे नहीं गिर रहे हैं तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रहे हैं। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की, यहाँ सब आगे बढ़ेंगे बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज़ की, जानेंगे कि अब एग्री कम्युनिटीज़ का बाज़ार कैसा रह सकता है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे मसालों से। तो मसालों में देख रहे हैं कि लाल निशान के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। आज शुक्रवार के दिन क्लोजिंग होते होते मसालों में हल्की सी नरमी बनी है। धनिया देख रहे हैं 12,000 के लेवल पर है, 0.25% की करेक्शन है। जीरा 21,000 के लेवल है, 21,800 पर ट्रेड कर रहा है, 22,000 के लेवल से नीचे गिरा है। जीरे में भी 0.25% की करेक्शन है और हल्दी 8,500 के लेवल्स पर ट्रेड करती नज़र आ रही है, 0.5% से ज़्यादा की करेक्शन है। देख रहे हैं कि मसालों की कीमतों में यहाँ पर करेक्शन बनती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि मसालों के जो फंडामेंटल्स हैं वो तो मजबूत ही हैं, लेकिन कईयों का ये सवाल है कि जब फंडामेंटल्स मजबूत हैं मसालों के तो ये तेज़ी क्यों नहीं आ रही है। दरअसल बीच में अभी कोरोना वायरस के जो केसेस थे वो ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से विदेशों में लॉकडाउन की खबरें थीं, फिर एक्सपोर्ट की जो लागत थी वो ज़्यादा आ रही थी क्योंकि जो ईंधन के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और भारत में बुआई कम होने से और वैश्विक उत्पादन कम रहने की वजह से मसालों के जो प्राइसेस थे वो ज़्यादा ऊँचे हो गए थे। तो ऊँचे भाव पर कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी व्यापारी या कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि ऊंचे भाव पर खरीदारी की जाए, सब चाहेंगे कि निचले स्तर पर खरीदारी की जाए। इसलिए ऊपरी स्तरों पर मसालों में जो लेवाल था यानी जो खरीदारी थी वो थोड़ी कम होती नज़र आई थी, एक्सपोर्ट डिमांड भी थोड़ी घटी थी। लेकिन जब कोरोना के इम्पैक्ट से देश विदेश बाहर निकले उसके बाद हमने देखा कि जो फंडामेंटल्स वाली तेज़ी आ गई थी ज़्यादा, तो अभी भी वो तेज़ी कायम है, सपोर्ट लिए हुए हैं, लेकिन जो अच्छी तेज़ी, जो इससे भी अच्छी तेज़ी आएगी वो जून जुलाई और अगस्त के महीने में आएगी। हमारे जो एक्सपर्ट हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी, उनके अनुसार धनिया 18,000 का लेवल दिखा सकता है, लेकिन दिखाएगा जून जुलाई अगस्त के दौरान ही। और जो जीरा है, जीरा भी 25,000-26,000 तक का जो लेवल है वो दिखा सकता है। हल्दी में थोड़ी तेज़ी आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, लगभग 7 से 8 महीने के दौरान अगर व्यू लिया जाए तो हल्दी भी 11,000-12,000 का लेवल दिखा सकती है, अभी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। तो नो डाउट कि लंबी अवधि में, लॉन्ग टर्म की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मसालों में तेजी वाला ही रुझान है, लॉन्ग टर्म में मसालों में निवेश करके चला जा सकता है। बात करेंगे यहाँ से बिनौला खल की।
तो बिनौला खल को हमने 2764 पर कारोबार करते हुए देख रहे हैं, 0.25% की करेक्शन। आपको बता दें कि बिनौला खल के जो फंडामेंटल्स हैं वो मजबूत ही हैं, लेकिन तब भी बिनौला खल के जो प्राइजेज हैं इस बार वायदा में कम देखने को मिल रहे हैं, जबकि जो हाजिर बाजार है, हाजिर बाजार में बिनौला खल के जो प्राइजेज हैं 3000 से 3400 के बीच में, और इस बार उल्टा हो रहा है कि वायदा में जो प्राइजेज हैं बिनौला खल के वो कम हैं। फंडामेंटल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अगर तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि दूध की कीमतें बढ़ जाना, मिल्क पाउडर के प्राइसेस बढ़ जाना, पशु चारे की कीमतें बढ़ जाना, और जो कपास का उत्पादन था वो भी कम ही था, कपास बीज की भी कमी थी, उसकी वजह से भी बिनौला खल में तेज़ी आते हुए नज़र आई। लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि बिनौला खल में जो तेज़ी है वो नहीं बन पा रही है वायदा के अंदर, लेकिन जानकारों का अभी भी यही मानना है कि बिनौला खल के फंडामेंटल्स मजबूत रहने के चलते बिनौला खल कभी भी अब यहाँ से फिर से तेज़ी वाले लेवल्स दिखा सकता है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, मई के दौरान या मई के अंत होते होते फिर से जो 3,000-3,400 वाले लेवल्स थे वो टेस्ट हो जाएं। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि बिनौला खल में अब मई के महीने में या अंत होते होते मई में जो तेज़ी आएगी ये एकदम से है, ये एकदम से बिनौला खल के जो प्राइसेस हैं वो उछाल मार सकते हैं। बात करें कैसर सीड की, तो कैसर सीड में देख रहे हैं कि कैसर सीड का मई वायदा 7354 पर ट्रेड कर रहा है और 7508 का हाई लगा चुका है, 1.5% की बढ़त है। हमने काफ़ी दिनों के बाद देखा है कि कैसर सीड में फिर से बढ़त लौटी है। अगर चाइना लॉकडाउन से बाहर आ जाता है और चाइना की ओर से भारतीय कैसर ऑयल की डिमांड बढ़ती है तो जो कैसर सीड के जो प्राइसेस हैं उनमें जोरदार तेज़ी फिर से देखने को मिल जाएगी और हो सकता है कि जो प्राइसेस हैं वो 8000 के भी पार निकल जाएं। लेकिन वो लेवल देखने के लिए अभी कुछ महीनों का इंतज़ार करना पड़ सकता है। कैसर के फंडामेंटल्स कुल मिला के स्ट्रॉन्ग ही हैं, प्रोडक्शन पहले से कम है और स्टॉक भी किया हुआ है, मंडियों में आवकें कम हैं, इसकी वजह से जो कैसर के जो प्राइसेस हैं वो तेज़ी की ओर जाते दिख रहे हैं। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी और सुधर जाए तो कीमतों में और तेज़ी संभव है। बात करेंगे यहाँ से अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में देख रहे हैं तेज़ी कायम है, हल्की फुल्की करेक्शन आती रहती है लेकिन कीमतों को फिर से सपोर्ट मिल जाता है। अमेरिका में जब तक कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की बातें कही जाती रहेंगी, जब तक अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ता रहेगा, बयान आते रहेंगे, एक्सपोर्ट डिमांड बनती रहेगी इंडियन ग्वार की, तो इसलिए एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने के चलते ग्वार की प्राइसेस को सपोर्ट आगे भी मिलता रहेगा। दूसरा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्वार सिर्फ इसी एक क्रूड ऑयल की ड्रिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में ग्वार का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। और इंडिया में अब लॉकडाउन वाली सिचुएशन तो कहीं भी नहीं है, इंडिया फुल फ्लेश्ड कारोबार कर रहा है, तो ऐसे में अब ग्वार की जो लोकल डिमांड है, जो घरेलू डिमांड है वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है, तो वहाँ भी ग्वार के जो इस्तेमाल है पूर्ण रूप से किया जा रहा है। इनफैक्ट जो अच्छी क्वालिटी की ग्वार है वो व्यापारियों को नहीं मिल पा रही है क्योंकि उत्पादन कम था और जो ज़्यादातर ग्वार थी वो बारिश में भीग गई थी जिसकी वजह से माल दागी हो गया था, और जो अच्छा माल है वो किसान और व्यापारी स्टॉक करके रखा हुआ है, वो अभी इन लेवल्स पर अपना अच्छा वाला माल निकालने की मूड में नहीं है, तो इसकी वजह से ग्वार में तेज़ी है। और उत्पादन की जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं कि 21-22 में जो उत्पादन है 20-21 के मुकाबले लगभग आधा ही है। बात करेंगे यहाँ से अब सरसों की, तो सरसों की कीमतों को हमने यहाँ पे ठीक ठाक ही कारोबार करते हुए देखा है। अगर हाजिर बाज़ार की बात करें तो हाजिर बाज़ार में सरसों दाना की जो कीमतें हैं 7000-8000 तक देख चुके हैं, अच्छी खासी प्राइसेस हैं, बंपर उत्पादन है, बंपर आवक हैं, उसके बावजूद भी सरसों की कीमतों में इस बार नरमी की बजाय तेज़ी ही आती नज़र आ रही, जिससे किसान काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं और किसानों को इसका श्रेय ही देना चाहिए, किसानों को उनकी मेहनत का जो फल है वो ज़रूर मिलना चाहिए और किसानों को मिल भी रहा है। आपको बता दें कि इस बार जो सरसों तेल है सोयाबीन तेल से सस्ता है, लेकिन मंडियों में सरसों के जो प्राइसेस हैं वो अच्छे खासे ही देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है वहाँ से सूरजमुखी तेल की सप्लाई रुकी है, सिर्फ भारत को नहीं पूरी दुनिया को। अब
जो सूरजमुखी तेल की सप्लाई, जो सूरजमुखी तेल की खपत होती थी वो कहीं ना कहीं दूसरे तेल पर डाइवर्ट हुई। दूसरा तेल उसमें सामने आया सबसे पहले पाम ऑयल। पाम ऑयल में सबसे ज़्यादा जो बड़े दो मुख्य देश हैं जो सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का उत्पादन करते हैं, सबसे पहले नंबर पर आता है आपका इंडोनेशिया, दूसरे नंबर पर आता है आपका मलेशिया। तो इंडोनेशिया से काफ़ी ज़्यादा पाम ऑयल का एक्सपोर्ट किया जा रहा था, कह सकते हैं कि कुछ बैलेंस नहीं था कि कितना एक्सपोर्ट किया जाना है, इसलिए इंडोनेशिया में पाम ऑयल का एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से वहाँ पर घरेलू इंडोनेशिया में वहाँ पर किल्लत हो गई पाम ऑयल की। अगर पाम इंडोनेशिया की करेंसी को भारतीय रुपये में कन्वर्ट करके वहाँ पे पाम तेल की कीमत पता की जाए तो 22,000 रुपये लीटर पहुँच गई। ये जो कीमत है काफ़ी ज़्यादा है इंडोनेशिया के लोगों के लिए पाम तेल पर खर्च करना, और इसकी वजह से वहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए। इंडोनेशिया ने फिर इस पर बैन लगा दिया। अब इंडोनेशिया में जो बैन लगाया तो भारत जो कि खाद्य तेल का ज़रूरत का अपना 60% विदेशों से आयात करता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा पाम ऑयल का रहता है, तो पाम ऑयल की सप्लाई यहाँ पर टाइट है। अब यहाँ पर पाम ऑयल की सप्लाई टाइट होने से जो खपत थी वो दूसरे तेलों पर गई, उसमें सबसे पहले आया सरसों तेल। तो सरसों तेल समेत बाकी खाद्य तेलों के दाम इसलिए बढ़ गए, और ऐसे में अब जो प्राइसेस हैं सरसों दाना के उनको भी सपोर्ट मिल रहा है, तो इसलिए सरसों दाने की जो कीमतें हैं मंडियों के अंदर वो ज़्यादा आवके और ज़्यादा उत्पादन रहने के बावजूद भी गिर नहीं रही हैं, आगे बढ़ ही रही हैं। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि अभी किसानों को धैर्य रखना चाहिए सरसों में, धीरे धीरे करके सरसों बेचते रहे, आगे सरसों में तेज़ी का ही रुझान है, सरसों में अभी आगे और कीमतें बढ़ सकती हैं। बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की तो सोयाबीन में भी कुछ ऐसा ही रुख है। विदेशों में जो खाने के तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से भी भारतीय सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी है, लेकिन इसी बीच जब सोयाबीन के दाम उछलने जा ही रहे थे ऐसे में जो पोल्ट्री उद्योग है भारत का उसने फिर से सरकार को पत्र लिख दिया कि जो GM सोया मील है, जो सोया मील है उसका आयात किया जाए, क्योंकि जो कीमतें हैं वो ऊंची हैं जिसकी वजह से उनकी लागत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन सोपा ने इस चीज़ को करने से सरकार को मना कर दिया है। सोपा ने भी सरकार से आग्रह किया है, रिक्वेस्ट की है कि सरकार ऐसा ना करे, क्योंकि साल 2021 में भी हमने देखा था कि बुआई का समय चल रहा था, पोल्ट्री उद्योग ने सरकार से अनुरोध किया था कि GM सोया मील का आयात किया जाए, सरकार ने कर भी दिया था। उस दौरान जो सोयाबीन की जो प्राइसेस हैं वो उनमें बेतहाशा गिरावट आई थी, लेकिन उस दौरान भी पोल्ट्री उद्योग ने सोयाबीन का स्टॉक नहीं किया था, वो पोल्ट्री की गलती थी। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, बुआई का सीज़न नज़दीक है सोयाबीन का, कुछ ही महीनों में बुआई होनी है। अब फिर से वही सिनेरियो 2021 वाला सीन बनता नज़र आ रहा है, जब सोयाबीन के प्राइसेस ऊपर हैं बुआई नज़दीक है उसी दौरान फिर से मांग की जा रही है। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को ये भी देखना चाहिए कि ये जो तेज़ी आई है ये वास्तविक तेज़ी है, ये बनाई गई तेज़ी नहीं है। रशिया यूक्रेन की वजह से कई कम्योडिटीज़ के दाम उछले हैं जिसमें तेल तिलहन भी एक हैं, और सिर्फ सोयाबीन ही अकेली नहीं है जो पोल्ट्री की लागत बढ़ा रही है। अनाज उठा के देख सकते हैं, अनाजों में आपका बाजरा महंगा हो चुका है, आपका गेहूँ महंगा हो चुका है, आपका मक्का महंगा हो चुका है। मक्का और गेहूं अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसकी वजह से जो सोयाबीन है वो भी महंगी हो रही है। तो पोल्ट्री में सिर्फ सोयाबीन इकलौती नहीं है जो महंगी हुई है। तो सोपा का यही कहना है कि जो तेज़ी आई है वो पूरे वर्ल्ड वाइड आई है, वास्तविक तेज़ी है, बनाई गई तेज़ी कुछ भी नहीं है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और पोल्ट्री को जब सस्ते दामों पर सोयाबीन मुहैया हो रही थी, बाज़ार में उपलब्ध थी, तब पोल्ट्री ने अपना स्टॉक क्यों नहीं करा? सोपा का और व्यापारियों का और किसानों का ये भी सवाल पोल्ट्री से लाजमी है। तो अभी हाल फिलहाल में आयात तो अभी तक हुआ नहीं है, ना ही ऐसा कुछ खबरें आ रही हैं कि सरकार इस पर कुछ विचार कर रही है। तो जब तक आयात नहीं हो रहा है सोयाबीन में तेज़ी का रुख एज इट इज़ बना रहेगा, और अगर आयात हो भी जाता है तो सोयाबीन के जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा नहीं टूटेंगे, क्योंकि सोयाबीन का जो वैश्विक उत्पादन है वो ही कम है और जो डिमांड है वो ज़्यादा है। वैश्विक ऑयल सीड्स की जो
ग्लोबली ऑयल सीड्स के जो प्राइजेज हैं वो ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से सोयाबीन की जो कीमतें हैं उनको सपोर्ट मिलता रहेगा। और दूसरा, ऑयल सीड्स यानी तिलहन के जो दाम हैं 2022 और 2021 में ज़्यादा देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से किसानों का जो रुझान है इसकी बुआई की ओर ज़्यादा बढ़ेगा। तो 2022 में सोयाबीन की जो बुआई है वो भी ज़्यादा रह सकती है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा और मानसून पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि 2021 में भी किसानों के अकॉर्डिंग सोयाबीन का जो उत्पादन था वो कम था और सोपा के मुकाबले सोपा ने 119 लाख टन का टारगेट दिया था, लेकिन फिर मानसून से बारिश भी हुई थी और सोपा ने भी अपना उत्पादन अनुमान घटा दिया था और एक बार नहीं कई बार घटाया था। तो ऐसे में वेदर कंडीशन पर भी यानी मौसम पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि सोयाबीन का उत्पादन कैसा रहता है और आगे कीमतें क्या रहती हैं। अभी कुल मिलाकर अभी हाल फिलहाल में जो वर्तमान में जो फंडामेंटल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जानकारों को सोयाबीन में तेजी ही नज़र आ रही है। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाज़ार का अपडेट कि कमोडिटी बाज़ार कैसा ट्रेड करता नज़र आ रहा है और जानकारों की उस पर क्या राय थी। फिलहाल बाज़ार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि मुनाफे की खबरों का दौर लगातार यहीं बना हुआ है मार्केट एमसीबी पर।